नमस्कार, हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं और आप देख रहे हैं किसान पाठशाला। यूपी से एक मित्र ने अपने बनाना प्लांट के कुछ वीडियो भेजा है, जानकारी साझा करी है। आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं। हेलो बलराम सर, नमस्ते। सर मैं बाराबंकी से हूँ, शिवम वर्मा। हाँ। और सर ये हमारा 4 जुलाई का प्लांटेशन है केले का। ये ऊपर का करीब 800-900 पेड़ ये हमारा इतना मोटाई का है, इस मोटाई का। बट इसमें एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है सर, देखिए ये पत्ते निकलने वाली प्रॉब्लम है। और उससे पहले सर मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो पत्ते हैं इसमें ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। ये देखिए ये जो आप दिखा रहे हो, ये 2-3 तरीके से होता है। आपके पौधे पर एक बारीक सा इल है, छोटा सा इल है। ध्यान से देखोगे, उसने ऊपर का क्लोरोफिल खा लिया है। अब जो आप पानी दे रहे हो उसकी ह्यूमस बन रही है, उससे पीला पीला फंगस बन रहा है। इसके लिए सबसे साधारण एक इलाज है, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 20 केजी जंगल की मिट्टी, 24 से 36 घंटे रखना है। उसके बाद पूरे पत्तों पर स्प्रे करना है, इल गायब हो जाएगा। और आगे फ्लावर आने से पहले अगर बीटल भी आने वाला है तो उस पर भी इफ़ेक्ट गिरेगा, वो भी नहीं आएगा। अभी मिट्टी लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ की जंगल की मिट्टी। उसको 5 फीट गहरा गड्ढा करना है और साइड का कॉर्नर छील करके मिट्टी लेना है, जो 200 लीटर पानी में 20 किलो डालना है। बहुत ज़रूरी है। वाइसेनोमेटा आप ऑफिस से मंगवा सकते हो, 94-245-38-222, ये बी किसान का ऑफिशियल नंबर है और ऑफिस से आप मंगवा सकते हो। ये जो स्क्रैच दिख रहा है, ये छोटी सी इल्ली है, प्रॉब्लम है ये सर। ये सब देखिए ब्लैक हुआ जा रहा है, ये 4 जुलाई का लगा हुआ है। हाँ। और इसमें पत्ते बहुत ज्यादा, उधर ठंडी हमारे यहाँ ज्यादा होती है ना सर। हाँ। उधर ठंडियों में ये पत्ते बहुत ज्यादा निकल गए थे उसके। ये जो पत्ता, हरा पत्ता भी नीचे झुक रहा है ना, इसका मतलब फास्फोरस की कमी है। ये जब फ्लावरिंग आने वाली सिचुएशन बनती है या पानी का अनबैलेंस होता है, तब ये ऐसा होता है कि पत्ते नीचे झुकते हैं। उसके बाद मैंने जो पत्ते निकले थे उसको कटवा दिया, उसके बाद अब फिर ये प्रॉब्लम आ रही कुछ। ये देखिए अभी भी ये पुराना पत्ता ही इन्फेक्टेड था, जो ठंडी में रुक गया था या गर्मी का शौक खा लिया है, वो ही केवल चौड़ा होगा। पौधा सीधा खड़ा जा रहा है, जो पौधे इफेक्टेड हैं जिसके पत्ते, वो ही केवल साइड में होंगे, हर पत्ते साइड में नहीं होंगे। ये 4 जुलाई का करीब 800 पेड़, ये थोड़ा खेत ऊंचाई पे है तो इसकी तो मोटाई लगभग मुझे लग रहा सही है। आप हाँ। देखिए आप क्या किया जाए इसमें। ये देखिए सर, कालापन कोई दिक्कत नहीं है, पत्ते निकलना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पौधा ठंडी में अटक गया, बट ये जो नीचे खा गया वो जाएगा इधर से। सर ये नीचे का है। हाँ। सर ये बहुत ज्यादा बीज भी छोटा है सर, इसमें छोटे बड़े प्लांट में आप थोड़ा सा ध्यान रखो क्या करोगे। मैं बार बार बताते रहता हूँ, किसान पाठशाला से जुड़ने की कोशिश करो और सब्सक्राइब कर दो, तो मेरे अपडेट्स आपको आते रहेंगे। 200 लीटर पानी, 15 किलो DAP, 10 किलो यूरिया, 5 किलो मैग्नीशियम, 5 किलो पोटास, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट, इसका घोल बनाओ, 2 किलो फास्फोरिक एसिड इसका घोल बनाओ। 200 लीटर पानी अगर ज़्यादा हो रहा है तो 150 भी कर सकते हो, और प्रति पौधे को 200 ml, प्रति पौधे को 200 ml पानी देने से पहले, आप महीने में जितने पानी देते हो, हर पानी देने से पहले 200 ml तने से 9 इंच दूर ड्रेंच करना है, जहाँ पर नमी हो। ये पूरे प्लाट के लिए है। और छोटे पौधे जो हैं उनको एक्स्ट्रा डबल ड्रेंचिंग देना है इसी की, और जो पूरा प्लॉट हो उसको नॉर्मल ड्रेंचिंग देना है। जानकारी चाह रहे हैं आपसे कि क्या किया जाए। ये देखिए सर, ये इल्ली का असर है, इल्ली आपके हमारे यहाँ मिट्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मैं वही बता रहा हूँ, ये भी जो आपको दिख रहा है ना, ये इल का प्रॉब्लम है। सन बरने के साथ में अगर इल आ रही है तो दिक्कत करेगी ही, ये भी इल्ली का प्रॉब्लम है। आपको VM स्प्रे करना है, जो मैंने स्प्रे बताया, वाइसेनोमेटा और मिट्टी, दुनिया का सबसे सस्ता स्प्रे है, इसे आप कीजिए तो रिजल्ट काफ़ी मिलेगा। और इल पत्ते खा लेती है, क्लोरोफिल खा लेती है, निकल रहे होंगे, ये जो छोड़ रहा है।
ये आपको मैंने फर्टिगेशन जो बतलाया इससे काफी राहत होगी, इससे बढ़ेगा। उधर का तो काफी पेड़ सही है ऊंचाई का, बट सर ये जो नीचे वाला पेड़ है ये बहुत ज्यादा छोटा है अभी भी। इसमें मैं क्या करूँ सर, इसमें अब तक का खर्चा हमारा करीब 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए लग चुका है 2500 पेड़ में। अरे बाप रे, खाद और ये दवाई वगैरह हमारे यहाँ बहुत महंगी भी है। और 100 रुपए पौधे के हिसाब से खर्च हो गया है। आप सभी किसानों को मैं बतला दूं, ये तो उत्तर भारत की बाइट है, लेकिन पूरे भारत के जितने किसान हैं वो बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ सकते हैं, BFS है, और उसका नंबर है 94-257-38-222। इसमें हम केला, पपीता, गन्ना और बैम्बू चार फसलों पर BFS दे रहे हैं। पपीता का अभी 1 मई से BFS चालू हो गया है, आप पूरे भारतवासी ले सकते हैं। बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर का शेड्यूल ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, ताकि आप डिसाइड करेंगे कि आपके जेब का बजट है कितना। जैसे अभी ये मित्र ने बताया कि 2-2.25 लाख रुपए का खर्चा हो गया, मतलब 100 रुपए पौधे का खर्चा हो गया, और अभी 60% प्लाट चला है, 40% बाकी है, क्योंकि फ्लावरिंग आना, उसको मेंटेन करना और कटना, इसमें अभी 3 से 4 महीने बाकी है। तो आपके जेब के बजट के हिसाब से आप बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर मंगवा सकते हो, उत्तर भारत वाले भी और पूरे भारत वाले भी। लगता है तो कुछ पता भी नहीं है। हमने आपकी गाइडलाइंस लागू किया, बट एक्चुअली पेड़ लगने के बाद हमें आपका किसान पाठशाला दिखाई दिया, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया हमें, बट फिर भी पूरी किसान पाठशाला चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे ना, तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी आप। निःशुल्क सारी सेवाएं हैं वहां पर, हो नहीं पाया इस बार, बट प्लाट खराब नहीं है आपका, लेकिन ये छोटा बड़ा होना है, हर एक रूल फॉलो किया जाएगा। अभी सर बताइए क्या किया जाए, ये इल्ली ही है, इल्ली का स्प्रे कीजिए जो पत्तों पर खराबी आ रही है। रोज भी छिड़काव कर चुका हूँ 1919 के साथ, अभी 1919 की आवश्यकता नहीं है, गर्मी ज्यादा है। ब्रोमेट और ये अमोनियम सल्फेट आपने बताया था, मैं वो भी देख के डाल चुका हूँ इसमें, बट ये फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा छोटा है और मोटाई भी नहीं पकड़ पा रहा है। लाइन बतला रहा हूँ मैं आपको, अभी VM स्प्रे करना है, प्लॉट कोई खराब नहीं है आपका, आपने कुछ ऑडियो भी भेजा है। और सर हमारे यहाँ अभी अगर जुलाई में ये कमल नहीं निकला, अगर जुलाई में ये केला नहीं आना स्टार्ट हुआ, तो सर ये उधर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक खींच खा के बिक जाता, बट हमारे यहाँ केला बहुत ज्यादा सस्ता बिकता पिछली बार। ये पूरे उत्तर भारत वासियों की प्रॉब्लम है कि 7वें महीने में प्लांटेशन किया और 7वें महीने में तो फ्लावरिंग केवल आ रही है, तो BFS लेकर के बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर लेकर के किसान पाठशाला के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरा शेड्यूल फॉलो करेंगे और यूट्यूब चैनल भी कंटिन्यू देखते रहेंगे सब्सक्राइब करके, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। 12 महीने में केवल फल आ रहा है, तो कटेगा कब, 15 से 18 महीने में, तो ये बड़ा समय खाने वाली बातें हैं ये। ठीक है, अभी आप लाइट अटैच हुए हो तो ये फॉलो कीजिए, ताकि आपकी फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी आए। और उत्तर भारत के जो भी किसान मुझे सुन रहे हैं, फार्मर हित में इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें, हर केला किसान तक पहुँचाएँ, ताकि और फार्मरों को मदद मिले। थैंक यू सलाह लेने के लिए।